Hello everyone, welcome back to another video from your English language book. Today we are going to start with chapter number 18. The name of our chapter is Active and Passive Voice. Okay, so अभी तक जो भी हमने English language में chapters पढ़े हैं, they were something जो आप पहले अपने previous classes में पढ़ चुके हैं. But this chapter is something that we are going to start new. Active and Passive Voice. सबसे पहले हम definition देखेंगे. It refers to that form of the verb which shows whether the subject acts actively or the subject is acted upon passively. इसका मतलब क्या है कि active मतलब क्या होता है कि जो subject है, for example, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, क्या वो अपनी चीज़ को खुद से actively convey कर रहा है या फिर किसी चीज़ के through convey कर रहा है, right? For example, the thief caught the, you can say, wrong, repeating the example. So, for example, the police caught the thief, right? ये तो हमारी active voice में आया कि जो police है उसने thief को पकड़ लिया. But if I have to say this in passive voice, how will I say it? The thief was caught by the police. तो हमने क्या करा? Subject को बताने के लिए कि the police जो subject है, उसको बताने के लिए हमने उसको एक passive voice में बताया, right? उसको डायरेक्टली नहीं बताया पर किसी चीज़ का जरिया बनाते हुए बताया, राइट? नाउ हमारे पास दो टाइप की वॉइसेस होती हैं. फर्स्ट इज एक्टिव वॉइस, सेकेंड इज पैसिव वॉइस. द एक्टिव वॉइस इज अ वर्ब दैट शोज दैट द एक्शन इज डन बाय द सब्जेक्ट. ठीक है, जब हमें ऐसा दिख रहा है कि जो सब्जेक्ट है उसने ही एक्शन किया है, वो हमारी बेसिकली एक्टिव वॉइस होती है. फॉर एग्जाम्पल, मानव टीचर्स अंश. तो जो मानव है वो अंश को पढ़ाता है, राइट? सो इसके अंदर मानव इज़ अ सब्जेक्ट एंड वी कैन डेफिनेटली सी कि ये डायरेक्टली इन्होंने कैसे बता रखा है कि जो मानव है वो अंश को पढ़ाता है, राइट? सो दिस इज एक्टिव वॉइस. सो इस सेंटेंस के अंदर हमने किसी भी चीज़ को अपना जरिया नहीं बनाया, हमने डायरेक्टली बोला दैट मानव टीचर्स अंश. ऐसे ही अगर हम पैसिव वॉइस की बात करें तो अ वर्ब दैट शोज वॉट इज डन टू द सब्जेक्ट, वो वर्ब जो बताता है कि सब्जेक्ट के साथ क्या हुआ, राइट? वो हमारी पैसिव वॉइस होती है. सब्जेक्ट जो कर रहा है उसका एक्शन बताना इज एक्टिव वॉइस, बट जो सब्जेक्ट के साथ हो रहा है, ऑफ कोर्स किसी चीज़ के साथ ही हो रहा होगा, सो जो उसके साथ हो रहा है दैट इज पैसिव वॉइस. सो लेट्स सी, अंश इज टॉट बाय मानव. तो हम फर्स्ट सेंटेंस में क्या लिख रहे थे? मानव टीचर्स अंश, विच इज अ डायरेक्ट सेंटेंस. वी हैव नॉट यूज्ड एनी यू नो बैक ground for this sentence. But for the other passive voice sentence, Ansh is taught by Manav. Humne Manav, who is the subject, ko batane ke liye, we have first used the name Ansh and then we have continued the sentence. Is tarike se aapko passive voice ka karna hai use and is tarike se, direct use tarike se hume active voice ka use karna hai. Right, I hope it's clear. Now we're going to do a task. Write A against the active voice and P against the passive voice. So we have both active and passive voice sentences mixed in it. ये सारे sentences के अंदर mixed हैं. आपको बताना है कि active voice कौन सा है और passive voice कौन सा है. So Shreya Ghoshal sings beautiful songs. So this is yes, active voice. इसके अंदर कुछ भी passive voice, passive तरीके से नहीं बोला हुआ. अगर ये ऐसे लिखा होता, beautiful songs are sung by Shreya Ghoshal, right? Beautiful songs are sung by Shreya Ghoshal. तब क्या होता? तब मैं इसको passive voice बोलती. But now, right now it is active voice. The sun sets in the west. Okay, so this is also active voice. Right? So this is also active voice. The boy was being beaten by the teacher. So this is passive voice. See, आपको सेंटेंसेज में डिफरेंस दिख रहा होगा ये किस तरीके से डायरेक्टली इन्होंने लिखा हुआ है. एंड ये वाला सेंटेंस सब्जेक्ट को बताने के लिए, राइट, हमने पहले किसी और चीज़ की हेल्प ली है फिर सब्जेक्ट पे आए हैं, तो वो हमारी पैसिव वॉइस होती है. नाउ बकी इज हेल्प्ड बाय स्टीव. बकी इज हेल्प्ड बाय स्टीव. ओके, सो दिस इज ऑल्सो पैसिव वॉइस. नाउ द कारपेंटर इज बिल्डिंग द डेस्क. दिस इज एक्टिव वॉइस, क्योंकि इसके अंदर हमने डायरेक्ट वर्ड्स यूज करे हैं, कुछ भी इनडायरेक्टली नहीं बोला है. नेक्स्ट, द बैग वॉज फाउंड बाय मी. ओके, वी हैव लेफ्ट द सिक्स्थ वन, फर्स्ट लेट्स डू दैट. द वुड कटर कट डाउन द ट्री. सो
दिस इज ऑल्सो एक्टिव. अगर ऐसे लिखा होता द ट्री वॉज बींग कट डाउन बाय द वुड कटर, या फिर हम क्या बोल सकते हैं द ट्री वॉज कट डाउन बाय द वुड कटर. सो तब इसको हम पैसिव वॉइस बोलते, बट राइट नाउ इट इज एब्सोल्यूटली एक्टिव वॉइस. नेक्स्ट नताशा लॉस्ट द मनी, दिस इज ऑल्सो एक्टिव वॉइस. एंड द सेवेंथ वन द बैग वॉज फाउंड बाय मी, दिस इज पैसिव वॉइस. अगर ये ऐसे होता आई फाउंड द बैग तो ये एक्टिव वॉइस होता, बट राइट नाउ इट इज द बैग वॉज फाउंड बाय मी, सो दिस इज पैसिव वॉइस. नाउ चेंजेस इन पैसिव वॉइस, द सब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट एंड द सब्जेक्ट. रिपीट इन द फर्स्ट पॉइंट अगेन. द फर्स्ट पॉइंट लेट्स सी, द ऑब्जेक्ट एंड द सब्जेक्ट इन द एक्टिव वॉइस चेंज देयर प्लेसेस इन द पैसिव वॉइस. ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट है जो उनकी प्लेसेस एक्टिव वॉइस में थी उसकी उल्टी वो किस में हो जाएंगी, पैसिव वॉइस में. राइट, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देखते हैं हम जैसे है द बैग वॉज फाउंड बाय मी. ठीक है, द बैग वॉज फाउंड बाय मी, तो मैंने आपको बताया था ये पैसिव वॉइस है. राइट, आई टोल्ड यू दिस इज पैसिव वॉइस. और उसका एक्टिव वॉइस क्या होगा, इसका एक्टिव वॉइस क्या होगा, आई फाउंड द बैग. राइट, आई होप देयर इज नो डाउट इन दिस. तो इसका एक्टिव वॉइस ये है और पैसिव वॉइस ये है. तो आप देख सकते हैं एक्टिव वॉइस के अंदर आई यहाँ पे है और बैग यहाँ पे है, तो दिस इज द ऑब्जेक्ट दिस इज द सब्जेक्ट. बट इन द पैसिव वॉइस द बैग विच इज द ऑब्जेक्ट ये पहले आ गया. राइट, और जो हमारा सब्जेक्ट है मी वो बाद में आया है. सो दिस इज द सब्जेक्ट. सो यू कैन सी दैट हाउ द पोजिशन हैज़ बिन चेंज्ड. राइट, नेक्स्ट द ऑब्जेक्ट इज मेड बाय द सब्जेक्ट बिकम्स द ऑब्जेक्ट. तो जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाता है और जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है. ये तो प्रिटी ऑब्वियस है, हमने अभी देखा. बाय इज यूज बिफोर द ऑब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस. जब हम पैसिव वॉइस की बात करते हैं तो बाय वर्ड हो जाता है. राइट, फॉर एग्जाम्पल द बैग वॉज फाउंड बाय मी. तो जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो यूजली हमारे पास बाय वर्ड का एडिशन हो जाता है. The form of the helping verb is used according to the tense, number and the person of the object which is made the subject in passive voice. तो जब आप अपनी helping verb use करेंगे वो भी आपको ध्यान रखने हुए करना है कि वो जो subject है वो उसका basically वो कितना है number में. Right? या फिर क्या देखना है हमें, उसका tense क्या है. ठीक है, और it is a person or a thing, हमें वो भी check करना है. Next, the past participle, that is the third form of the verb is used after the helping verb. Helping verb के बाद हमेशा passive voice में third form use होती है. Helping verb के बाद कौन सी form use होती है, third form. Okay, so I hope this is also clear. Now we're going to move ahead and see what we have next. Sixth point is intransitive verbs have no object, so they cannot be used in passive voice. आपको याद होगा हमने last chapter में ही पढ़ा है intransitive and transitive verbs. तो इनट्रांजिटिव वर्ब्स का कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता है, आपको ध्यान रखना है, बिकॉज दे आर यूज्ड इन द पैसिव वॉइस. नेक्स्ट, समटाइम्स अ ट्रांजिटिव वर्ब हैज़ टू ऑब्जेक्ट्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. इन सच केसेस ईदर ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स कैन बी मेड द सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस. ओके, नाउ एग्जाम्पल्स देखेंगे. मिस्टर सिंह टीचेस अस इंग्लिश. ठीक है, तो दिस इज एक्टिव सेंटेंस, ये सेंटेंस एक्टिव फॉर्म में है. English is taught to us by Mr. Singh. ये पैसिव फॉर्म हो जाएगा क्योंकि by ऐड हो गया है और हम देख सकते हैं हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पोजिशंस भी उल्टी फुल्टी हो गई हैं. दे आर जम्बल, दे आर नॉट इन द सेम मैनर जैसे वो एक्टिव सेंटेंस में थे. वी आर टॉट इंग्लिश बाय मिस्टर सिंह, ये भी एक पैसिव का एग्जाम्पल है. ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे. द नंबर ऑफ द वर्ब इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ पर्सन एंड द सब्जेक्ट. तो जो वर्ब का नंबर है वो किसके बेसिस पे चेंज होगा, वो नंबर और पर्सन के बेसिस पे चेंज होगा. ओके, आई होप इट्स क्लियर. नाउ चेंजिंग इन हेल्पिंग वर्ब्स. नाउ ये एक टेबल है, यू कैन जस्ट रीड इट योर सेल्फ. राइट, ये बस रूल्स लिखे हुए हैं कि आप जब यहाँ से इस टेंस में जाओगे तो आपको क्या रूल लगाना है. सो दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, प्लीज़ रीड इट वंस. ओके, नाउ वी हैव अ नोट. Passive construction is not possible in future continuous or in any perfect continuous tense, as B happens and
to be already present in their respective active voice sentences. तो आपको ध्यान रखना है कि जो passive construction है वो कभी भी future continuous या perfect future continuous tense में नहीं हो सकता, right? So this is also something which you have to keep in mind. Now we have the next task. Rewrite the following sentences into passive voice. We have 10. 5 I'm going to do for you. 5 will be your homework. Okay, so let's do it. Okay, so let's see the first sentence. The musicians will entertain the audience. So I've written the answer, the first one for you. So I've written the answer for you. The audience will be entertained by the musicians. Second is your homework. We'll do the alternative parts together. Third, the police have arrested one of the robbers. One of the robbers have been arrested by the police. I'm repeating. One of the robbers have been arrested by the police. Fourth one is again your homework. Fifth one, let's see. Mohit is reading storybooks. Storybooks are being read by Mohit. Repeating. Storybooks are being read by Mohit. Read ki spelling kya hoti hai? R-E-A-D. इसको हम रीड भी बोलते हैं और रेड भी बोलते हैं, ठीक है? यू हैव टू रिमेंबर दिस. नेक्स्ट, सिक्स्थ वन इज अगेन योर होमवर्क. सेवेंथ वील डू. यू हैड आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस. ऑल द क्वेश्चंस हैव बीन आंसर्ड बाय यू. ओके, नेक्स्ट द एट्थ वन इज अगेन योर होमवर्क. नाइन्थ वन लेट्स डू. आई शैल हैव टेकन अ बाथ बाय नाउ. लेट्स रीड अगेन. I shall have taken bath by now. So can you try this one? It's very easy. It's just like how you have been doing. It's the simple I objects one. So this also I want you to once try yourself. Now 10th one I'll tell you. Do you know him very well? Is he known by you very well? Okay? Or you can say, is he known very well by you? Now, change the following sentences into active voice. The room has been cleaned by the kids. The kids clean the room. Second one, a wallet was found in the street by us. So, we found a wallet in the street. Third, the ball is being chased by the dog. The dog chased the ball. Okay, this is the third one. The fourth one, my money has been stolen by Henry. Henry stole my money. Fifth one, the work will be finished by me. So, what will be the answer? I will finish the work. So, I hope now you know how to change from passive to active also. The last fifth, sixth, seventh, eighth, ninth and tenth are your homework. Right? We have discussed five. Five of them I want you to try yourself. Okay? Now we're going to move forward and see, change the following sentences into passive voice. First, does he not help you? Passive voice mein aapko change karna hai. Are you not helped by him? Second, is the noise disturbing the old man? Is the old man being disturbed by the noise? Third, she does not love you. This one, I want you to try yourself. Fourth, so I'm just going to write your homework for you. So that you do not get confused, HW, which means homework. Fourth, mother is not making tea at present. So, tea is not being made by mother at present. Fifth, are they flying kites? Are kites being flown by you? Right? Sixth, he has not stolen my pen. Again, this is going to be your homework. They do not speak English. English is not spoken by them. The eighth one, has he stolen your watch? Homework. And the last two also are your homework. So we have discussed again five, and five I have given you for yourself to try. Okay. Now we have the last exercise. Convert the following sentences as directed. So aapko bracket mein de rakha hai. Aapko usi voice mein usse change karna hai. Chaliye dekhte hain. Varun is helping Rashmi. हमें passive voice में change करना है. Rashmi is being helped by Varun. Second, a gift was given to Manasa by me. I gave a gift to Manasa. आपको active voice में करना था. Third one is your homework. You have to change in passive voice.
I hope you can do it. A mouse was being chased by the cat. My cat chased the mouse. Clear? Active voice mein karna tha. Naveen loves his parents. Passive voice. So, Naveen's parents are loved by him. Sixth one is your homework. Okay, so next we have the seventh one. J.K. Rowling wrote the Harry Potter novels. The Harry Potter novels were written by J.K. Rowling. Okay, 8th, 9th and 10th, I'm going to give you as your homework. So, 5 we have done together, we have discussed, and the rest of the 5 which I have marked, you have to do as your homework. Okay, let's move on. Right, so that's it for this chapter. I hope you were able to understand. Thank you so much for watching. I will meet you in the next video now. Till then, goodbye and take care.